नमस्कार, आप देख रहे दिल्ली 99 और मैं चारु। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, बात करेंगे दलितों की। आपको बता दें कि कुछ समय से बीजेपी से यूपी के दलित नेता कुछ रूठे रूठे नजर आ रहे हैं और उसके बाद से ही प्रधानमंत्री हो या यूपी के सीएम हो या छोटे मोटे सांसद हो या विधायक हो, सभी दलितों को मनाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि या तो सांसद दलितों के घर पे खाना खा रहे हैं या चौपाले लगा रहे हैं या उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। और इसी सिलसिले में उमा भारती, केंद्रीय मंत्री उमा भारती का एक और बयान सामने आया। उमा भारती ने कहा है कि हम यानी कि भाजपा वाले कोई राम नहीं है कि अगर वो दलितों के साथ भजन करेंगे तो दलित धन्य हो जाएंगे, बल्कि उमा भारती ने ये कहा कि हम अगर दलितों के घर जाएंगे या दलित हमारे घर आके भोजन करेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। उमा भारती ने यहाँ तक कहा कि जब मैं अपने हाथों से दलितों के लिए खाना परोसूंगी तो हम ज़रूर धन्य हो जाएंगे। आपको बता दें कि कुछ समय से भाजपा के दलित नेता जिस तरीके से भाजपा से रूठे हुए थे, उन सबको देखते हुए और आगे आने वाले चुनाव को देखते हुए भाजपा के बड़े मंत्रियों ने इस तरीके की हरकतें, इस तरीके के बयान देने शुरू कर दिए हैं। अभी कुछ ही समय पहले यूपी में ही एक नेता दलित के घर खाना खाने जरूर गए थे, लेकिन वो खाना बाहर से आया था। ये सारी कवायद तब भी शुरू हो गई थी जब झांसी के एक सांसद राजेंद्र प्रताप ने ये कहा था कि जिस तरीके से शबरी के झूठे बेर खाकर राम ने शबरी को धन्य किया था, उसी तरीके से भाजपा के नेता दलितों के घर खाना खाकर दलितों को धन्य कर रहे हैं। अब देखते हैं ये दलित वाली राजनीति उत्तर प्रदेश में भाजपा को आगे कहां तक लेकर जाती है। बाकी और खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करिए दिल्ली 99।